में हम डिसाइड कर रहे हैं उसकी अलग। ये चीज़ अगर आप देखें तो ये यूएसए में प्रेजेंट है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, दोहरी नागरिकता। वे राज्य इसके साथ हम ये देखते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में जैसे आंदोलन है या जैसे जो मौलिक अधिकार है जैसे राइट टू गो अगेंस्ट या लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स जो दिए गए हैं वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति है तो वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और केंद्र के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट या उनको उनका जो ट्रांसफ़र है वो भी इंश्योर किया जाता है। तो इस तरह से जो भारतीय व्यवस्था है उसमें हम ये देखते हैं ये एक मिश्रण है फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का, यानी कि हमें यहाँ पे संघीय व्यवस्था भी मिलती है, संघीय फीचर्स भी मिलते हैं और हमें यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स भी मिलते हैं। और इस तरह से भारतीय व्यवस्था को जो अगर संघीय सिस्टम में आप देखें तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, दोनों की अपने एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी पावर्स के माध्यम से। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं यूनिटरी फीचर्स में आते हैं भारतीय व्यवस्था को एग्जाम्पल में लेके, तो यूनिटरी फीचर्स में हम ये देखेंगे कि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ओवर पावरिंग अथॉरिटी रखती है ओवर द स्टेट्स। सेंटर का एक इंटरफियरेंस भी है स्टेट्स में, जैसे जो राज्यपाल का भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो सेंट्रल द्वारा की जाती है और एक तरह से वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं सेंटर के। और कई बार जैसे कानून राज्य द्वारा पारित किए जाते हैं तो अक्सर इसमें जो गवर्नर होते हैं उनकी एक विशेष भूमिका आती है, क्योंकि सेंटर का भी उन्हें क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि के रूप में होते हैं तो सेंटर द्वारा उन पर डिफरेंट तरीके से एक्चुअल पॉलिटिकल वर्किंग में दबाव बनाए। अच्छा, जैसे अगर आप यूएस का एग्जाम्पल लेते हैं तो यूएस फेडरेशन जो है वो भी संघीय सरकार की तीन अलग अलग शाखाओं से बनी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनकी शक्तियां अमेरिकी संविधान द्वारा कांग्रेस, राष्ट्रपति और संघीय अदालतों में निहित की गई। तो यानी कि जो वहाँ की संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है, जो वहाँ की कार्यकारी अगर आप देखेंगे तो वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है वो राष्ट्रपति आता है और जो जुडिशरी है वहाँ की तो वहाँ की भी संघीय अदालतों में ये जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन किया गया है। अच्छा, इन शाखाओं की शक्तियों और कर्तव्यों को आगे से कांग्रेस के कृत्यों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से कम कार्यकारी विभागों और अदालतों का निर्माण शामिल है। तो आप इसको इस तरह समझिए कि जो हम आप एग्जाम्पल देते हैं कि यूएसए जो है वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और इसलिए वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से भिन्न है, तो यूएसए एक फेडरेशन के तहत जब काम करता है तो वो वहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रन होता है। यानी कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है वह वो जो पावर्स है वो किस में निहित है, जो विधायिका है वो कांग्रेस में यानी वहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो राष्ट्रपति है। जैसे अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लें, अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो जो इंडिया के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो किस में निहित है, रियल एग्जीक्यूटिव में निहित है, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका में भारतीय समावेश में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ की कार्यकारी के अंतर्गत आते हैं। और जो विधायी की बात करते हैं, विधायिका की, तो वहाँ पे आपका पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर एक यूएस फेडरेशन का हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे विधायिका में आता है हमारा कांग्रेस, कार्यकारी में आता है हमारे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की कैबिनेट का यहाँ पे कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति व्यवस्था में कैबिनेट की वो भूमिका जो मंत्रिमंडल होता है उसकी वो भूमिका नहीं होती है जो एक संसदीय व्यवस्था में होती है। संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट को एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है, डिसीजन मेकिंग का उसे पार्ट बनाया जाता है, पर राष्ट्रपति व्यवस्था में ये चीज़ नहीं होती है। इट इज़ टोटली ऑन द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह अपने कैबिनेट की राय लेते हैं या नहीं लेते हैं। और इसी तरीके से हमें न्यायपालिका मिलती है यूएस फेडरेशन के संघीय सरकार के अंतर्गत, जहाँ पे संघीय अदालतें भी शामिल। अच्छा, तो शक्तियों की प्रतिकरण के अवधारणा के अंतर्गत यूएस काम करता है। शक्तियों की प्रतिकरण से मतलब क्या है कि एक कॉन्स्टेंट चेक एंड बैलेंस जो है वो व्यवस्था आपको यूएसए में मिलती है।
तो बच्चों इस तरीके से हमने यूनिटरी और फेडरल सिस्टम किया। आपके पाठ्यक्रम का ये पार्ट था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। राष्ट्रपति व्यवस्था में हमने आपको बताया कि एक जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एक पावरफुल पोजिशन में होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट दोनों राष्ट्रपति ही होते हैं, यानी राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष दोनों राष्ट्रपति होते हैं। संसदीय व्यवस्था में आपको ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मिलता है, अर्थात दोहरी कार्यपालिका होती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट अलग होते हैं। जो राज्य के अध्यक्ष होते हैं उनके पास कम शक्तियाँ होती हैं और जो सरकार के अध्यक्ष होते हैं उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। अच्छा, इन दोनों में हमें डिफ्रेंस ये भी मिलता है कि जो उत्तरदायी होने का यानी आंसरेबल होने का, तो एक संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति कॉन्स्टेंटली उत्तरदायी होती है, लेकिन अगर आप एक राष्ट्रपति व्यवस्था में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज एब्सेंट होती है, वहाँ पे कार्यपालिका कॉन्स्टेंटली विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अच्छा, दूसरा हमें संसदीय व्यवस्था में एक इनस्टेबिलिटी अस्थिरता मिलती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सदन का कभी भी विघटन किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, तो इसलिए हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जैसे उनका कार्यकाल 5 साल का होता है बट अपने कार्यकाल को पूर्ण करने से पूर्व भी वो पद से हटाए जा सकते हैं, लेकिन जब आप राष्ट्रपति व्यवस्था में जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलती है। वहाँ पे आपको जो लेजिस्लेचर है, जैसे US का अगर हम एग्जाम्पल लें तो सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनका लोअर हाउस है वो दोनों एक स्टेबल हाउसेज हैं, वहाँ पे उनको उनकी अवधि से पूर्व उनको विघटित नहीं किया जा सकता। अच्छा, वैसे ही जैसे यहाँ पे इंडिया में हम देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री की भी जो स्थिति है वो भी कमजोर मानी जाएगी अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उन्हें पद छोड़ना पड़े, क्योंकि अगर सरकार गिरेगी तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था में जो प्रेसिडेंट की पोजिशन है उसे बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है और उनका जो इम्पीचमेंट का यानी महाभियोग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत डिफिकल्ट रखा गया है ताकि उन्हें आसानी से सत्ता से हटाया, पावर से हटाया ना जा सके। तो ये हो गया संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था। फिर आज जो हम लोगों ने आपके साथ किया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो संक्षिप्त शब्दों में अगर हम आपको समझाएं जिसमें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक केंद्र सरकार है जिसके पास बेसिक शक्तियां हैं, सारी शक्तियां उसमें निहित हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को अपने अनुसार और समय की मांग के अनुसार पावर्स को डिवॉल्व करती है यानी कि हस्तांतरित करती है, डेलीगेट करती है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो अपनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स संविधान से लेती है, संविधान लिखित अलिखित दोनों हो सकता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेसिक राइट्स एंड बेसिक अथॉरिटी होती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो फेडरल सिस्टम है उसमें हम ये देखते हैं कि वहाँ पे संविधान के द्वारा राज्य और सरकार, केंद्र और सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और केंद्र और सरकार के द्वारा जो विभाजन किया गया है उसमें डिवीजन किस बेसिस पे है कि उन्होंने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट बनाई है। यूनियन लिस्ट में राज्य के महत्व के जो विषय होते हैं जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, आपका क्या कहते हैं फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, तो ये क्या है, ये क्या कहते हैं होम, ये क्या है, ये आपके केंद्र के विषय में आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन लिस्ट में आते हैं, और वहीं पे हमारी स्टेट लिस्ट होती है जहाँ पे रीजनल और लोकल इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये जो डिविजन है ये संविधान द्वारा किया और संविधान द्वारा ही दोनों अपने पावर्स जो है वो डिराइव करते हैं। इसके अलावा हमें क्या अलग फीचर्स मिलते हैं फेडरल सिस्टम में, हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बाइकेंडर लेजिस्लेचर्स होते हैं यानी द्विसदनीय व्यवस्थाएं हमें मिलती हैं। इसमें हमारे पास इंडिया का भी एग्जाम्पल है लोकसभा राज्यसभा, हमारे पास अमेरिका का एग्जाम्पल है सेनेट एंड उनका लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, इसके अगर हम यूनिटरी में भी देखेंगे तो हमें यूके में, ब्रिटेन में भी मिलता है, ब्रिटेन में हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स है, अभी हमने आपको जापान का ऑप्शन एग्जांपल दिया, जापान में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, तो इस तरह से वहाँ पे मोस्टली दो सदन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके साथ साथ डुअल सिटीजनशिप जनरली देखा जाता है कि डुअल यानी दोहरी नागरिकता जो है वो कॉन्सेप्ट एक फेडरल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। दोहरी नागरिकता से मतलब क्या है, जैसे USA में ही प्रेजेंट है कि वो US के भी सिटीजन है और वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस राज्य के भाग है, वो वहाँ के भी सिटीजन है। ये चीज़ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे हमें सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो एक फेडरल सिस्टम होता है उसकी जुडिशरी की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जुडिशरी का काम सिर्फ न्याय देना ही नहीं होता,
एक न्यायपालिका का कार्य होता है कि वो एक फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अर्थात वह संविधान का जो व्याख्या है और जो संविधान का संरक्षण है उसका काम भी फेडरेशन में न्यायपालिका पे आता है। और संरक्षण से हमने आपको बताया था, संरक्षण से मतलब क्या है, द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि एक तरह से जो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत, ये चीज़ आपको अमेरिका में भी मिलेगी, ये इंडिया में भी ये प्रेजेंट है कि संसद के न्याय बनाने की जो पावर है उसको सीमित किया गया है। न्याय बनाने की पावर को सीमित किस तरह से किया गया है या उसको एक चेक रखने की कोशिश की गई है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा लेजिस्लेचर कानून बनाता है, वो कानून का निर्माण करता है, वो संविधान के अनुसार है या नहीं, ये वैधता, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ इज टू बी चेक बाय द जुडिशियरी, यानी उसका जो उस पर जो चेक किया जाता है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। और इसी तरीके से जो अगर आप ये देखें जो यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम में ये चीज़ एब्सेंट है। यूनिटरी सिस्टम में जैसे हमने आपको ब्रिटेन का एग्जांपल दिया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑल पावरफुल गवर्नमेंट है, वही कानून बनाती है, वही उसमें संशोधन करती है, और अगर उसे वो समय के अनुसार वो विपरीत लगते हैं कि या उसे लगता है कि ये समय कॉन्स्टिट्यूशन या एक तरह से वर्किंग मेथड के लिए सही नहीं है, तो उसे नल एंड वॉइड भी घोषित करने का अधिकार वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये एक हमने आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझा। अब बच्चों अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।